सफेदा पब्लिक जीनियस यानी कि ग्वालियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की मुख्य स्टोरी। भारत की यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा में मीडिया विज्ञान एवं तकनीक की भूमिका को लेकर 31 मार्च व 1 अप्रैल 2018 को भोपाल के विज्ञान भवन में मीडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। मीडिया महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचालक इंद्रेश कुमार जी, विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, जनसत्ता के संपादक मुकेश भारद्वाज, वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुपुर और आदि अतिथियों की मौजूदगी में दीप प्रज्वलित कर किया गया। मीडिया चौपाल के नाम से जाने जाने वाले इस आयोजन का यह 7वां वर्ष है। इस चौपाल पर पूरे देश भर से आए 350 से अधिक पत्रकारों, राजनीतिज्ञों, संपादकों, मीडिया हाउस, ब्लॉगर, लेखक, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों और पत्रकारिता से जुड़े विद्यार्थियों ने अपने विचार रखे और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हुए इस बात पर गहन चिंतन किया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करने की आवश्यकता है। इसके पश्चात कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अनिल सौमित्र द्वारा आयोजन की संक्षिप्त जानकारी दी गई। इसके पश्चात अतिथियों ने भारत की सुरक्षा में मीडिया विज्ञान और साइबर तकनीक की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। आयोजित होने वाली मीडिया महोत्सव 2018 के सत्र की शुरुआत भारत की सुरक्षा में मीडिया पत्रकारिता की भूमिका एवं राजनीतिक की जिम्मेदारी विषय पर चर्चा की गई। इस परिचर्चा में वरिष्ठ पत्रकार विजय दत्त, सीधा संपादक मुकेश भारद्वाज, संस्कृति विभाग में मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव मनोज सभी के प्रति आभार। कार्यकारी अध्यक्ष आयोजन प्रमोद वर्मा और मंच का संचालन ब्लॉगर एवं पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी ने किया। और ये जो काम करने की हमने शुरुआत माध्यम से ही मुझे मिला, तो मेरा इसमें परिश्रम के अलावा शायद कुछ नहीं है, सब कुछ आपका ही है, आपका ही दिया हुआ है, उसी के भरोसे, उसी के बलबूते ये कार्यक्रम करने का एक साहस उदाहरण मुझे ग्रहण किया। वर्ष 2012 में इसी स्थान पर मीडिया चौपाल के नाम से शुरुआत हुई। वो एक दिन का कार्यक्रम था, बाद में सब मित्रों को लगा कि एक दिन कम होता है, तो अगले साल 2 दिन का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ से उठ के थोड़ा सहार और पड़ गया तो दिल्ली चले गए। दिल्ली में मीडिया चौपाल हुआ, के बाद हम लोगों ने अगला कार्यक्रम ग्वालियर में किया। ग्वालियर के बाद हम हरिद्वार पहुंच गए और जो अंतिम मीडिया चौपाल हुआ वो 2017 में चित्रकूट में ग्रामोदय मीडिया चौपाल के नाम। अब कई लोगों ने पूछा कि ये क्यों करते हो, ये सब क्या करते हैं, क्या होता है? अब इसका सही नहीं क्योंकि जवाब मेरे पास तो नहीं है। मुझे ये करते हुए अच्छा लगता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, इसलिए करता हूँ। जैसा मुझे मिलता है वही मेरे मित्रों को, क्योंकि मैं जैसे भी तो मित्र हूँ तो मेरे मित्रों को मिलता होगा, जो शत्रु है मेरे को एकदम नहीं मिलता। ये कवायद में कोशिश है कि जो संचार कम्युनिकेशन का हमारे यहाँ जो तंत्र बना हुआ है, खास करके पिछले 5 से 10 वर्षों में जिस प्रकार से एक अराजक किस्म का तंत्र पैदा हुआ और उसके कारण कम्युनिकेशन सिस्टम के कारण हमारा व्यवहार जो मनुष्य की आकृति होती है कि गुण होते हैं कम ज्यादा, पर हमारे सब में है। और हमारा जो व्यवहार है वो बहुत सारा व्यवहार, मुझे लगता है कि अगर 90% व्यवहार हमारे जो संचार का पूरा सिस्टम है, संचार का जो तंत्र है, हमारे जो संचार के रूप में हमारा जो संस्कार हुआ है उस पर निर्भर करता है। जो पानी को लेकर हमारा व्यवहार हो,
चाहे पाकिस्तान को लेकर हमारा व्यवहार हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा को लेकर हमारा व्यवहार हो, चाहे हमारे घर में हमारे पड़ोसी के साथ या देश समाज के साथ, तो ये जो सारा तंत्र बिगड़ता हुआ दिख रहा है, तो हम लोगों ने कोशिश की कि जो हम मीडिया के मित्र हैं, अलग अलग माध्यमों में काम करते हैं, कोई रिसर्च करता है, कोई ब्लॉग लिखता है, कोई वेबसाइट चलाता है, कोई अखबार में, कोई टेलीविजन में, कोई रेडियो में काम करता है, पर वो काम समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, देश के लिए करता है, पर अनजाने में या द्वेषवश या षड्यंत्र लोगों का समय जाया हो रहा है, बहुत लोगों का कष्ट हो रहा है, उसको झुंझलाहट हो रही है, लेकिन हम कर रहे हैं। हुआ ये कि हमको व्यक्ति के साथ व्यक्ति का संचार करना था, हम मोबाइल को मोबाइल संचार करने लगे, कंप्यूटर को कंप्यूटर संचार करने लगे, इसमें व्यक्ति कहीं कहीं धीरे धीरे दरकिनार हो रहा है। तो ये पूरी कवायद के पीछे एक जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं इसमें मनुष्य को फिर से रिस्टोर किया जाए। ये संचार जो है मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के द्वारा है, ये संचार मोबाइल के लिए नहीं है, संचार कंप्यूटर के लिए नहीं है, ये संचार हमारे आपके हम सब के लिए। तो इसको बहुत शिद्दत के साथ इसको कुछ रिसर्च करने वाले काम करें और काम करके हमको बताएं कि भैया ये संचार करने से लोगों को सुख मिलता है, उनके भावों में बढ़ोतरी होती है, अच्छा लगता है। ये तो आप तमाम खबरें लिखते रहिए, आप तमाम संचार और संदेश देते रहिए, मिलना जिसको उसको मिलता नहीं है, जिसको मिलता है वो झुला रहा है, कष्ट में है, दुख में है, जिसको जरूरत है उसको मिलेगा। इन तमाम सारी बातों पर हम बैठ के विचार करें और विचार करने के साथ साथ उसको, चूंकि हम सब कम्युनिकेटर हैं, संचारक हैं, और हमने जाने जाने मन से बेमन से जैसे भी है समाज को शिक्षित करने का, समाज को जागरूक करने का दायित्व लिया हुआ है, किसी ने जबरदस्ती नहीं लिया, हमने लिया है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज हमारे प्रयासों से शिक्षित हो रहा है कि नहीं, या वो अशिक्षित हो रहा है, समाज हमारे प्रयासों से जागरूक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या और वो खूब मंडूक बन रहा है, हमारे प्रयासों से समाज को समाधान मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं अज्ञान में हम अपराध तो नहीं कर रहे हैं, हम संचार हैं। इस बात को ध्यान करना, इस बात का विमर्श करना, इस बात को विचार करना, और तदनुसार जो विमर्श की चीजें आती है, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे जो प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे जो सिखाने बताने वाले लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे सीख कर जान कर समझ कर तदनुसार हम अपना व्यवहार करें, ये अपेक्षा इस पूरी कवायद की है। एक समाज, हम सोशल मीडिया की बात जरूर करते हैं, निहायत अनसोशल मीडिया है, नॉनसेंस मीडिया, तो उसको सामाजिक बनाइए, हम सबका जिम्मेदारी है, और उसको पॉजिटिव बनाइए, संचार को सकारात्मक बनाइए, दिन भर निंदा, दिन भर आलोचना। मीडिया के लोगों को लगता है कि मेरी स्वतंत्रता वो भारत के राष्ट्रीय हितों से कहीं ज्यादा ऊंची है, इस तरह से विचार रखने वालों की कोई कमी नहीं। मैं ऐसे तमाम 25 उदाहरण दे सकता हूं, जब भी कहीं आतंकी गतिविधियां होती हैं या कहीं दंगे होते हैं सांप्रदायिक, तो अक्सर जो है जो मीडिया सबको निष्पक्ष कहती है वो एक सुनियोजित पक्षपात की शिकार होते पाई जाती है। किसी आतंकवादी हमले के बाद आप पाएंगे कि किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तो मीडिया का एक वर्ग जो स्वयं की मुख्यधारा में 2010 के दशक के पहले पाया करता था, उस मीडिया के लोग प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन के लोगों के पास पहले नहीं जाते, अभियुक्त के परिजनों के पास पहुंचते और उसकी मां से पूछते हैं कि आपके बेटे के बारे में, आपके बेटे को गिरफ्तार किया गया, आपकी क्या राय। संभवतः किसी की मां ये नहीं कहेगी कि मेरा बेटा अपराधी है। मैंने दाऊद इब्राहिम की मां का इंटरव्यू लिया सामना में रखे, दाऊद इब्राहिम की मां का 1995 मैंने बातचीत की, 1995 1993 के श्रृंखला पर विस्फोटों और दर्जनों हत्याओं का अभियुक्त, उसके पहले दर्जनों हत्या स्मगलिंग का अभियुक्त, तो ऐसा कोई अपराध नहीं जो दाऊद इब्राहिम ने ना किया हो, लेकिन उसकी मां को लगता था वो निर्दोष है। लेकिन मीडिया का बड़ा वर्ग वो वहां से शुरू होगा कि देखिए एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लिया गया, इन्वेस्टिगेशन की तरफ ना ध्यान देकर प्रोसिक्यूशन ने, इन्वेस्टिगेशन ने जो सबूत इकट्ठा किया है उसका मूल्यांकन किए बिना अभियुक्त निर्दोष है यहां से बात शुरू होती है।
और यही चीज मैंने जब हिंदू आंदोलन को आप युक्त करने का एक षड्यंत्र रचा गया। समय कम है, संक्षेप में मेरी बात रखूंगा। मैं 28 साल तक गुजरात में था, इंडिया टुडे का इंचार्ज, और मीडिया का कैसा वर्णन होता है राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, चाहे इसका सबसे ज्यादा अनुभव शायद मुझे होगा। सराबुद्दीन का जो रिपोर्टिंग हुआ, सराबुद्दीन एनकाउंटर का उसे जहाँ पे जो रिपोर्टिंग हुआ, और जो प्रयास किए गए, जो ह्यूमन राइट्स के नाम पे राष्ट्रवादियों को दबाने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने का मीडिया के एक बड़े वर्ग द्वारा, उसका मैं साक्षी रहा। देखिए, एक बहुत पुरानी डिबेट है जिसे शुक्ला जी ने कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ पे जब एक आम एक अहम राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जब पैदा होता है तो उस पर मीडिया एकजुट होता है। हमारे यहाँ इससे बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहाँ मीडिया आइडियोलॉजिकल लीनिंग के कारण, ह्यूमन राइट्स के एक फॉल्स बिलीफ के कारण बढ़ जाता है और देश को नुकसान हो ऐसा रिपोर्टिंग करता है। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। तीन प्रकार दिखाई देते हैं, एक वो है जो सत्य और सही को वितरित करके भटकाव के रूप में समाज को तोड़ने, देश को बांटने के लिए काम करते हैं, जिनको आजकल कहा जाता है ये वामपंथी हैं, सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हैं, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स, जिनका बैनर यही है विकृत दिखा। एक वो है जिसको समझ में नहीं आता है सत्य क्या और सही क्या, इसलिए बहते चले गए। पर एक वो है जो सत्य और सही के लेकर समस्या और उसके समाधान के लिए लड़ते हैं, जिनको राष्ट्रवादी कहा जाता है। आज का मीडिया महोत्सव तीसरी प्रकार के मीडिया कर्मियों का, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ फॉर दैट प्लेस। ये संकल्प के साथ आप यहाँ तेरे काम 50 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए देते हैं, तू भी इन्वेस्ट करके कर, परंतु उसने अपने श्रम से कमाया। जिस धरती के ऊपर श्रम का और अपमान होता है वो धरती करप्शन और क्राइम से जो भरती है, वो भ्रष्टाचार और बलात्कार से जो भरती है, यही रेंगो भी समझना। और इसलिए सबको जीने का मार्ग, क्यों नहीं वो जूते पॉलिश करने वाला बीए होगा तो क्या तकलीफ है, फिर वो मेरे और आपसे हीन व्यवहार नहीं चलाए, अपमानित नहीं होगा। इसलिए हमें डर है तो वो अनपढ़ है, तो पढ़ा लिखा मत कर, पढ़ा लिखा तो ये मत कर, पर जूता पॉलिश करने वाला चाहिए। अब जूता पॉलिश करते करते जब वो बन जाता है समय, फिर भी हम कहते हैं अरे ये वही है ना जो जूता पॉलिश करता था, हम 2 रुपए दिया करते थे, ये दुख क्यों, ये पीड़ा क्यों, ये खुंदर क्यों, ये ईर्ष्या क्यों, ये अपमान क्यों, ये क्यों नहीं कहते ये वो है जिसने यहां से जीवन शुरू किया था, दुकान खोलकर बैठा है, इसको कहने में क्या कष्ट है देश के अंदर। इस मीडिया को, मेरे जैसे बुद्धिजीवी को, समाजजीवी को, पढ़े लिखे को, उसको सम्मान देने में क्या तकलीफ है कि वह 5 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, अपने श्रम से आज 50,000 का बना, उसको ये सम्मान देने की क्या बेकार अच्छा खाला नारायण वही है जो 5 पैसे मांगता था, दैट इज दिस नॉनसेंस। ये कौन सी साइट है, ये कौन सा साइट, मैं और आप गंदगी करते रहेंगे, प्रधानमंत्री झाड़ू से सफाई करते रहेंगे और हम मजाक करते रहेंगे, ये कौन सा बंदा है। आप दिखाते समाज के अंदर स्वच्छता की जागरूकता का मॉडल कितना भद्दा है वो दिखाते हैं, आधा घंटा दिखाते, घंटा दिखाते, उसके बाद कहते हम 5 पत्रकारों ने जनता का आह्वान किया, 50 लोग इकट्ठे हुए, आधा घंटा हमने सर्विस की,
जो आधा घंटा पहले हिंदुस्तान गंदा दिखता था, अब हमारी मेहनत और समाज के जागरण से वो स्वच्छ भारत भी देती है। क्या आप ये मॉडल नहीं देख सकते? क्या इस मॉडल के लिए हम नहीं बने? आप गंदगी दिखाइए, नो प्रॉब्लम। आपने दिखाया शैतान कैसे काम कर रहा है, समाज कैसे गंदगी फैला रहा है, परंतु उसके बाद आपने उसका समाधान नहीं दिखाया, करके दिखाया। आप एग्जाम्पल पेश करने के लिए, केवल गंदगी बताने के लिए। अगर मीडिया का पहला काम है तो मीडिया को अपने काम को बदलना होगा, रीडिफाइन नहीं करना होगा, प्रॉपरली डिफाइन करना होगा। पहला आपने जबरदस्ती डिफाइन कर लिया, मीडिया के दुनिया के किसी कार्यक्रम में ये नहीं दिखाई दे। मर्जी से मिशन नहीं बनता, मर्जी से विषय नहीं बनते, मर्जी से कैरिकुलम नहीं बनता। और इसलिए क्या यह राष्ट्रवादी मीडिया प्रॉब्लम सोल्यूशन इसको दिखाने वाला बन सकता है, ताकि देश को रास्ता मिले? हम 5 साल के बाद दुनिया के विश्व गुरु थे, हैं और हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? भारत के अंदर भ्रूण हत्या का रेट 0.72%, चीन के अंदर भ्रूण हत्या का रेट 18%। हम अपराधी देश हैं, चीन इस अपराध से मुक्त है। क्यों? क्योंकि चीन ने पर बर्थ कंट्रोल के नेसेसिटी कहकर इसको क्राइम से निकाल दिया। जहां 18% भ्रूण हत्याएं होती है वो आउट ऑफ क्राइम है, जहां 0.72% होती है विद इन क्राइम है। देश को समझना और दुनिया को बताना पड़ेगा। यहां पर 0.68% अवैध कन्याएं जन्म लेती है, और अमेरिका में, यूरोप में 33% लेती हैं। मुझे अमेरिकन डेलीगेशन न्यूयॉर्क टाइम्स का जब इंटरव्यू करने के लिए आया, तो मैंने उनको कहा आपने 33% अवैध लड़कियों का देश, जब वो कुमारी हैं तब वो गर्भवती होकर बच्चा पैदा कर देती हैं। उन्हें कहा हमने उसको नेचुरल सेक्स में बदल दिया, आपने नेचुरल सेक्स नहीं माना, इसलिए आप क्रिमिनल कंट्री हैं। 0.68% के रेट के बाद भी हम 33% के रेट के बाद भी विदाउट क्राइम है। कुछ खराबियां हमारी भी हैं, दुनिया से ठीक नजर, पर सारी खराबियों को लाद लेना अज्ञान में, इस अज्ञान को दूर करना, इस चुनौती को इस महोत्सव में स्वीकार करना, और इसलिए इसको करना, और इसको करेंगे तो होगा। आज देश के अंदर जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, भाषा के नाम पर भड़काना, आज क्या चला लिंगायत कर, पूरे विश्व के 5 लाख वर्ष के अंदर कोई राजनीतिक दल और सत्ता नहीं है जिसमें किसी समाज के रिलीजियस बॉडी को कहा इसको धर्म घोषित करते हैं। भारत में दुनिया का ये पहला अपराध कांग्रेस कर्नाटक में करने जा रही है, और लिंगायत एक धर्म, आज तक धर्म दुनिया में सबसे ऊपर था, लिखा जाता है धर्म जोड़ता है राजनीति तोड़ती है, मजहब ने सिखाता तो लिंगायत करना, तोड़ने वाली राजनीति आज धर्म को मान्यता देगी, इससे बड़ा अनर्थ नहीं है, पाप नहीं है, कलयुग नहीं है, अपराध नहीं है, हिंसा नहीं है। और उसकी जागरूकता समझिए तो आज उसने शैव मत का विभाजन करके लिंगायत को एक अलग दिया, कल वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट भी करेंगे। बहुत संक्षेप में छोटे छोटे उदाहरणों के साथ बात करूंगा, उससे पहले तीनों हफ्ता में बहुत बृहद तरीके से इसका लेखांकन कर ही दिया है। मुझे लगता है जो विषय में समाज तीनों चारों शब्द है, मैं एक एक शब्दों पर एक एक मिनट आपसे लूंगा। और उससे पहले मैं ये बता दूं, मुझे अच्छा लगा था उद्घाटन सत्र में प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि वो निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि वे पार्टी से जुड़े हुए हैं, धर्म से संबद्ध हैं। मैं भी बाकायदा घोषणा करना चाहता हूं कि मैं भी निष्पक्ष नहीं हूं, क्योंकि मैं जन पक्षधर हूं, और पत्रकारिता का मूल कर्तव्य और दायित्व और धर्म जन पक्षधरता ही है। मैं किसी दल, किसी विचार, किसी नेता, किसी समूह के साथ नहीं हूं, मैं आपके साथ हूं। और ये मैं आज से नहीं हूं, जब से भारत में पत्रकारिता शुरू हुई है मैं और मेरे पुरखे यही कर रहे हैं। अब थोड़ा सा समय बदल गया है, अब जब हम जनपक्षधरता की बात करते हैं तो किसी समूह विशेष को, किसी विचार विशेष को तकलीफ होती है। हमने तो नेहरू के खिलाफ भी खबर छापी थी,
हमने जीव कांड छापा उस पर, हमने 1962 की उनकी विफलताओं को छापा, हमने इंदिरा गांधी की विफलताओं को रेखांकित किया और आज भी हम देश के प्रधानमंत्री की विफलताओं को स्वरूप में छापने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज सवाल पूछना गुनाह हो गया है। आइए हम विषय पर बात करें, विषय राष्ट्रीय सुरक्षा या भारत की सुरक्षा, और सुरक्षा के जो खतरे हैं वो भाई अलराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से आंतरिक और बाह्य खतरे हैं उनका रेखांकन कर दिया है, उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन इस संगोष्ठी का जो केंद्रीय भाव है कि उस राष्ट्रीय सुरक्षा को, भारत की सुरक्षा को खतरे किन किन लोगों से, जो शब्द हैं विज्ञान और साइबर तकनीक। तो सुरक्षा के बारे में बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल इंसर्जेंसी, हमारे देश में कई इलाकों में इस तरह के आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियां चल ही रही हैं लगातार, और इसी शक्ति ने वो खतरों को भी बताया। मैं पहले शब्द मीडिया पर बात करता हूँ, मूलतः की जिम्मेदारी है, एक इंडिकेटर की जिम्मेदारी है, एक कुतुब नुमा की जिम्मेदारी है कि जहां कुछ गलत होगा वहां उसको रख दीजिए, कांटा रोक जाएगा। हमारी आदर्श और सैद्धांतिक जिम्मेदारी से विभिन्न, लेकिन हो ये रहा है कि इस बदले हुए समय में जबकि अवमूल्यन समाज के सभी वर्गों, सभी संस्थाओं, सभी स्तंभों में है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी भूमिका है, कहानी नहीं है। अभी भूमिका है, कहानी नहीं है, लिखी जा रही है, सुबानी नहीं है, कहां जाएगी पालकी, राम जाने, पहाड़ों की आंखों में पानी नहीं। और माफ कीजिए, लोकतांत्रिक पालकी के चारों पहाड़ों की आंखों का पानी पड़ा, और ये जो पहाड़ अनुराग कनेठा जी, मैं, जयशंकर जी, हम सब लोग जिनकी जिम्मेदारी थी कि उन तीन स्तंभों में, उन तीन पहाड़ों की आंखों का पानी जब मरे तो हम उन्हें चेताएं, उनको नोचे, उनको आवाज दे कि जा जाइए, आपकी आंखों का पानी मर रहा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आंख में भी पानी धीरे धीरे कम कर रहा है, तो मीडिया की बात कीजिए। हमारा अब मैं विज्ञान पर बात करना चाहता हूँ कि विज्ञान का जो हमारे जीवन में महत्व है, जितना आप अपने बुद्धि और वेद से सोच सकते हैं, ये सारी चीजें विज्ञान से आवश्यक है, जिस माइक से लेकर और जिस हवाई पर आप लाइव चला रहे हैं। लेकिन विज्ञान हमें सत्य और मिथ के बीच फर्क करना सिखाता है। विज्ञान हमें ये बताता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री इंडियन साइंस कांग्रेस में ये कहे कि हमारे यहाँ सर्जरी कितनी उन्नत थी कि गणेश जी के कस्ते उस पर हाथी का सर लगा दिया जा सकता है, तो विज्ञान को आपत्ति करके और पत्रकारिता को समाज को यह बताना होता है कि सचमुच वैज्ञानिक रूप से ऐसा संभव नहीं। मिथ और सत्य का यही फर्क। नेता प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ समय पहले कहा कि हम पाकिस्तान को देश का दूर कर देंगे, हमारे पास एटम बम रखे हुए हैं जो किसी भंडार गृह में रखने के लिए नहीं है, हम कुछ चार से एटम बम फटकेंगे और पाकिस्तान मिट जाएगा, यहां तक भी मुझे आपत्ति नहीं थी। लेकिन उसके अगले वाक्य में उन्होंने कहा, क्या हुआ हमारे 10-20 करोड़ लोग भी मर जाए, हम तो बहुत हैं 130 करोड़। जहां संपादक का और पत्रकार का मीडिया का दायित्व शुरू होता है कि वो ये बताए कि एटम बम सिर्फ पाकिस्तान को खत्म करने के लिए नहीं गिरेगा, तो हिंदुस्तान को भी खत्म कर देगा। जहां पर बात राष्ट्रवाद की नहीं, मानवतावाद की होना चाहिए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जब मुझे राष्ट्रवाद और मानवतावाद का कुछ करना होगा तो मैं मानवतावाद करूंगा। आयोजन के तृतीय सत्र में जातीय, मजहबी संघर्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों के विषय पर पीएम द्वारा और महिला एवं बाल विकास मंत्री मध्य प्रदेश श्रीमती अर्चना चिटनेस, शंकर उपाध्याय, शंकर शरण जी, ज्ञानदत्त पिंगले जी, हृदय मालिकर जी, रमेश वर्मा जी और स्वदेश सिंह जी द्वारा संबंधित विषय पर साधारण चर्चा पर समस्या का समाधान देने का प्रयास किया गया। मीडिया महोत्सव 2018 के दूसरे दिन के आयोजन की का शुभारंभ रखते हुए इंटरनेट की दुनिया पर भी उनकी चर्चा है, उनकी किताब मैंने पूरी पढ़ी है, बैठे हुए महिला मजदूर और किसान सुरक्षा आदि विषय पर खुलकर बात की। इसके साथ ही राष्ट्र की सुरक्षा को उन्होंने सर्वोपरि बताया। गोविंदाचार्य जी वरिष्ठ पत्रकार,
इसी प्रकार चतुर्थ सत्र में राजनीतिक दलों और मीडिया राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भूमिका को लेकर परिचर्चा की गई। इसमें कोड़ीपाका मयूर आचार्य, गोविंद आचार्य, गिरीश उपाध्याय, प्रियंका चतुर्वेदी, प्रभु ठाकुर, शिवराम पटेरिया, विजय मनोहर तिवारी, आशीष जोशी और हर्षवर्धन त्रिपाठी ने दिए गए विषय पर चर्चा कर समस्या को दूर करने के उपाय दिए। अध्यक्ष आयोजन समिति डॉक्टर नवीन चंद्रा, महानिदेशक मध्य प्रदेश विज्ञान एवं मीडिया महोत्सव 2018 के दो दिवसीय आयोजन के पंचम सत्र में परिचर्चा का विषय महिला और बच्चों की सुरक्षा में मीडिया की भूमिका पर आधारित रहा। इसमें मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख सचिव गौरी सिंह, अनिल पांडे जी, ज्योति माथुर जी, डॉक्टर कायनाथ काजी, बी के बीना जी, शैफाली पांडे, रीतु शर्मा एवं धरा पांडे ने संबंधित विषय पर कारगर में चर्चा की। आयोजन के छठे सत्र में मुक्त विमर्श का दौर चला, जिसमें जगदीश सुपास ने रविंद्र कनेरे, प्रमोद वर्मा, मुकेश भारद्वाज, राजकुमार, गिरीश उपाध्याय, मनोज पटेरिया, अनिल पांडे, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अनुराग पुनेठा, संजय द्विवेदी, अनिल सौमित्र, संजय तिवारी, भुवन धामकर, रितेश पाठक, पुष्पेंद्र पाल, उमेश चतुर्वेदी जी आदि ने कार्यक्रम के में शामिल लोगों से वर्तमान संबंधित विषयों पर चर्चा की। यही कारण है कि संचार माध्यमों के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। इन माध्यमों का लगातार आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।